मीन राशि, मीन राशि के षष्ठ भाव के स्वामी सूर्य होने जा रहे हैं शनि के साथ। आपको लोन्स वगैरह नहीं लेना है, बैंकों से रिलेटेड कोई लोन अप्लाई ना करें, फिलहाल कर्जों पर कोई चीज उधारी ना ले, अपने मामा पक्ष से कोई नुकसान होता है तो संभल कर चलें, स्पेस बना के रखें। आपके विरोधी ज्यादा जागृत हो जाएंगे तब आपको विरोधियों से सतर्क रहना पड़ेगा। इसके साथ साथ ही आपके पैसों से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम होती है तब संभालना है। बहुत विशेष है कि आपको अपने कागज पत्र संभाल के रखने हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर ना लगे इसका ध्यान रखना है, और कोई जानबूझ कर केसेस वगैरह में उलझना नहीं है। अगर आपको ताया चाचा की तरफ से भी, मतलब मामा पक्ष और पिता पक्ष से भी परेशानी होती है तो भी अपने इन दिनों को काट देना है शांति से। आपके लग्न के स्वामी अब गुरु उदय हो चुके हैं तो खासी परेशानी नहीं होगी। बहुत सारी चीजें जो लोग विरोध कर रहे हैं आपका, उस पर इतना ध्यान रखें कि विरोध होने के बावजूद भी आप अपना संयम बना के रखना जरूरी है। आपके प्रेम संबंधों में अगर कड़वाहट आती है तो ये आपकी गलती होगी और आपको बड़े संभल के चलना पड़ेगा। आपके विदेश रिलेटेड काम ना बिगड़े और इन दिनों आप विदेशों की यात्रा ना करें तो अच्छा रहेगा। आपके खर्चों पर आपको नियंत्रण रखना है और किसी भी प्रकार से अपनी तबीयत को भी संभाल के रखना है। अपने हड्डी, दांतों में, स्कल में, पेट में, उदर में, मतलब पेट से रिलेटेड परेशानी, और किसी भी प्रकार से अपनी स्नायुओं और अपने मसल्स की परेशानी, इनसे बचने के लिए एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन, ओम के जाप आप कर सकते हैं।